स्वागत है आप सभी का स्लैश कोडिंग में। तो आज हम हैकरिंग की एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है सिंपल एरे सम। सो ये एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, पर अगर आप एक बिगनर हैं तो आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। तो हम इसे अच्छे से समझने वाले हैं कि इसको हमें किस तरीके से करना है, और फिर हम इसे कोड करके भी देखेंगे। तो चलिए पहले प्रॉब्लम समझते हैं क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स फाइंड द सम ऑफ इट्स एलिमेंट्स। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक एरे है 1 2 3, इसमें हमें एरे के सभी एलिमेंट्स का सम निकालना है। एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का हमें सम करना है और वो वैल्यू प्रिंट करनी है। जैसे इस एरे में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, और इनका सम किया हुआ है 1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू 6। तो हमें ये 6 रिटर्न कराना है। इसके साथ हम कॉन्स्टेंट्स को देख लेते हैं। तो एरे ऑफ आई जो है मैक्स टू मैक्स 1000 तक हो सकता है। ओके, सो सैम्पल इनपुट देख लेते हैं। सैम्पल इनपुट में हमें एक एरे दिया है जिसकी लेंथ 6 है, और ये हमें गिवन है एरे के एलिमेंट्स। और इससे जब हम सम करेंगे, जैसे कि यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 10 + 11, इसके सारे एलिमेंट्स का सम 31 हो जाएगा, और यही हमें आउटपुट पे प्रिंट कराना है। तो चलिए पहले हम इसके एल्गो को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं और फिर हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसा कि हमें सैम्पल इनपुट गिवन था, यहाँ पर मैंने एरे की एक लेंथ ली है 6 जो हमें सैम्पल इनपुट में गिवन था, एंड ये सारे एलिमेंट्स हमें 6 लेंथ की एरे में सेव कराना है। तो यहाँ पे मैंने एक एरे भी डिक्लेयर कर लिया है, क्रिएट कर लिया है, जिसका नाम है ARR, और इसमें मैंने सारे एलिमेंट्स को सेव करा दिया है। सारे एलिमेंट्स के इंडेक्स जो हैं वो भी मैंने नीचे लिखे हुए हैं, 0 1 2 3 4 5। इसका मतलब 0 इंडेक्स पे 1 सेव है, 1 इंडेक्स पे 2 सेव है, 2 इंडेक्स पे 3 सेव है, 3 पे 4 सेव है, 4 पे 10 सेव है, एंड 5 पे 11 सेव है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा एल्गो बनाने वाले हैं जिसमें हम एक वेरिएबल लेंगे जो इंटीजर टाइप का होगा। इंटीजर सम इक्वल्स टू हम डिक्लेयर कर देंगे इसे 0। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है सम, जिसे इनिशियलाइज किया है 0 से। अब यहां हम एक फॉर लूप का यूज करेंगे जिसकी मदद से हम पूरे एरे को एक्सेस कर पाएंगे 1 बाय 1। जैसे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे, 4 पे एंड 5 पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक फॉर लूप लिखा हुआ है जो 0 से चलेगा, जिसमें मैंने वेरिएबल लिया है आई, मैंने इसे इनिशियलाइज कराया है 0 से, और ये कब तक चलेगा, जब तक ये 6 से लेस देन रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ARR इंडेक्स ऑफ आई, एंड हम ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। अब ये लाइन करेगी क्या, ये एक्चुअल में वर्क कैसे करेगी, इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, अभी सम की वैल्यू क्या है, 0, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अभी सम की वैल्यू है 0, और आई की वैल्यू भी क्या है, 0। सम एंड आई की वैल्यू हम इन दोनों को देखते चलेंगे तो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। सम अभी 0 है, आई अभी 0 है, ठीक है। अब जब लूप पहली बार चलेगा तो आई इक्वल्स टू 0 से वो चलेगा, यहाँ पे आके वो कंडीशन चेक करेगा, क्या 0 लेस देन 6 है। हाँ, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से वो अंदर आएगा। अंदर आने पे वो क्या करेगा, सम इक्वल्स टू, मतलब सम में वो क्या सेव कराएगा, इस पूरी वैल्यू को सेव कराएगा। तो वो पहले ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करेगा कि आखिर ये पूरी वैल्यू है क्या। तो ये वैल्यू क्या है, सम यानी कि 0। सम क्या है अभी, 0, जैसे कि अभी हमने देखा। तो 0 + ARR इंडेक्स ऑफ आई, तो ARR इंडेक्स ऑफ आई, आई मतलब आई की वैल्यू क्या है, 0। तो ARR एरे में 0 इंडेक्स पे कौन सेव है, 0 इंडेक्स पे 1 सेव है। तो इसका मतलब यहां पे आ जाएगा 1। सो 0 + 1 = 1। तो सम में अब क्या वैल्यू सेव हो गई, 1। तो हम यहां अपडेट कर देते हैं, सम की वैल्यू अब हो चुकी है 1। अब इसके बाद ये यहां से फिर वापस जाएगा, यहां आएगा, और यहां आके ये आई को इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसको भी हम इंक्रीमेंट करके कर देते हैं 1। अब ये फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या 1 smaller than है 6। हाँ है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, इस वजह से ये अंदर आएगा। अंदर आने पे ये फिर से ये ऑपरेशन रिपीट करेगा, फिर से ये सम में
वेरिएबल सम में इस पूरी वैल्यू को सेव कराएगा। तो वो पहले इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेगा कि आखिर ये पूरी वैल्यू है क्या, तो वो क्या करेगा सम, तो सम की वैल्यू अब 1 है, जैसे कि हम देख सकते हैं सम यहां 1 है, तो 1 प्लस ARR ऑफ i, i की वैल्यू अब क्या है 1, इसका मतलब ARR इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 पे अब कौन स्टोर है, इंडेक्स 1 पे स्टोर है 2, तो इसका मतलब 2, सो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो सम की वैल्यू यानी कि ये पूरा कैलकुलेट क्या करेगा 3 कैलकुलेट करेगा, 3 को वो सम में स्टोर करा देगा, असाइन करा देगा, इसका मतलब यहां पर 3 हम अपडेट कर लेते हैं, सम की वैल्यू हो चुकी है 3। अब आई फिर से इंक्रीमेंट होगा, आई फिर से इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब ये कंडीशन चेक होगी, क्या 2 स्मॉलर देन है 6, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये अंदर आएगा, अंदर आने पर फिर से ये ऑपरेशन रिपीट करेगा, सो सम इक्वल्स टू फिर से ये पूरा कैलकुलेट करके उसमें स्टोर करा देगा। तो ये कैलकुलेट करते हैं, पहले सम की वैल्यू क्या है 3, अपडेटेड वैल्यू क्या है सम की 3, सो 3 प्लस ARR ऑफ इंडेक्स i, i की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, सो 2 इंडेक्स पे क्या सेव है 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3, तो 3 प्लस 3 6, इसका मतलब इस सम वेरिएबल में यहां से क्या स्टोर हो जाएगा 6, सो सम की वैल्यू को हम अपडेट कर लेते हैं 6, एंड i की वैल्यू को भी हम इंक्रीमेंट कर लेते हैं, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 3। सो अब जब i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है तो ये फिर से कंडीशन चेक करेगा लूप, तो यहां पर 3 लेस देन 6 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर से आएंगे और फिर से हम इसी ऑपरेशन को रिपीट करेंगे, सम की वैल्यू अपडेटेड क्या हो चुकी है 6, सो 6 प्लस इंडेक्स ऑफ i, एरे इंडेक्स ऑफ i, सो i की वैल्यू क्या है 3, तो थर्ड इंडेक्स पे कौन सेव है 4 सेव है, तो 6 प्लस 4 यानी कि ये 6 प्लस 4 करके 10 आ जाएगा रिजल्ट, और 10 को ये किस में स्टोर करा देगा सम में, सो सम की वैल्यू अब क्या हो जाएगी अपडेट होके 10, और i की वैल्यू को भी हम इंक्रीमेंट कर लेते हैं, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो वो होगा 4, फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 4 लेस देन है 6, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएंगे फिर से इसी ऑपरेशन को रिपीट करेंगे, सो सम प्लस ARR ऑफ इंडेक्स 4, तो सम की वैल्यू अपडेटेड क्या है 10, यह हमने देखा है लास्ट टाइम हमारी सम की वैल्यू 10 थी, सो 10 प्लस ARR इंडेक्स ऑफ i, i की वैल्यू क्या है अब 4, तो फोर्थ इंडेक्स पे कौन सेव है 10 सेव है, तो यहां हम 10 रख लेते हैं, तो 10 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 20, तो सम की वैल्यू में 20 अपडेट हो जाएगा, यहां से ये जब हम एडिशन करेंगे तो ये हमें रिजल्ट देगा 20, 20 को हमें किसे असाइन करा देना है सम को, इस वजह से सम में 20 सेव हो जाएगा। फिर से हम i को इंक्रीमेंट करेंगे, सो i को इंक्रीमेंट करेंगे, i की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर से यहां कंडीशन चेक होगा, क्या 5 लेस देन 6 है, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू है, फिर से हम अंदर आएंगे और ये ऑपरेशन रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे तो सम की वैल्यू है अब 20, तो 20 प्लस ARR ऑफ इंडेक्स 5, क्योंकि i की वैल्यू है 5, सो 5 इंडेक्स पे हमारा 11 सेव है, तो यहां पे हम 11 ले लेते हैं, तो 20 प्लस 11 31 हो जाएगा, और इसी के साथ 31 जो है सम में सेव हो जाएगा, तो 31 हमने सम को अपडेट कर दिया, सम की वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया 31। अब i में फिर से इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 6, अब ये लूप कंडीशन फिर से चेक करेगा, क्या 6 स्मॉलर देन है 6, नहीं ऐसा नहीं है, 6 तो इक्वल टू 6 होता है, यहां पे हमने कंडीशन लिखी है i स्मॉलर देन होना चाहिए 6, लेकिन यहां पर अब i जो है इक्वल टू आ जा रहा है 6, तो ये लूप आगे नहीं चलेगा, यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट होके वो यहां से बाहर आएगा और यहां पे जो उसे पहली कंडीशन मिलेगी उसे वो एग्जीक्यूट करेगा, तो यहां पे हम पहली कंडीशन लिख लेते हैं कि वो सी आउट करा दे सम की वैल्यू को, ओके, सो उसे जो पहली कंडीशन मिली है वो उसे ही एग्जीक्यूट करेगा, तो वो सम की वैल्यू को प्रिंट करा देगा जो कि अभी है 31, तो हमारा आउटपुट मिल जाएगा हमें 31। तो चलिए इसे कोड करके देखते हैं, तो चलिए अब हम इसे कोड करते हैं। आई होप आपको एल्गो क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप इसे एक बार खुद से ट्राई करिए, और अगर इम्प्लीमेंट करने में आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोड को देखिए। तो चलिए अब हम इसे कोड करते हैं, तो सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे,
सो हेडर फाइल एंड यूजिंग नेम स्पेस हमने कर लिया है, मेन फंक्शन लिख लेते हैं। ओके तो अब यहाँ पर हमें किन किन वेरिएबल्स की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें एरे का लेंथ स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, तो उसे मैं एन से ले लेता हूँ। ओके फिर इसके बाद एक सम वेरिएबल चाहिए, जैसा कि अभी हमने एल्गो में देखा था, तो एक सम वेरिएबल को मैं ज़ीरो से इनिशियलाइज कर लेता हूँ। साथ ही मुझे लूप चलाने के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए, तो उस वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ, वो वेरिएबल मेरा आई हो जाएगा। तो इतने से हमारा काम हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम पहले यूज़र से एरे की लेंथ को इनपुट लेंगे, तो हम सीन करा लेते हैं एन में। तो इस वाले स्टेप से हमारा जो एरे का लेंथ होगा वो एन में सेव हो जाएगा। अब हम एक लूप चलाएंगे जो एन तक चलेगा, एन से एक स्मॉलर चलेगा, और इसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे एरे को और उसे हम एक एरे में स्टोर कराएंगे। तो इसके लिए हमें एक पहले इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर करना होगा जिसकी लेंथ होगी एन। सो फॉर आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई इज़ स्मॉलर देन एन एंड आई इंक्रीमेंट। यहाँ पर हम सीन कराएंगे एरे ऑफ आई पे। तो इस तरह से हमारा एरे क्रिएट हो जाएगा। अब जैसा कि हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था, एल्गो में हमने समझा था कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक और लूप रखेंगे हम आई इक्वल्स टू ज़ीरो से लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पर सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ आई, एंड लास्ट में हम प्रिंट करा दे रहे थे सम को। ओके सो हमारा कोड कंप्लीट है। तो चलिए अब इसे हम रन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कोड हमारा सबमिट हो चुका है, हमारे तीनों टेस्ट केसेस सही चल चुके हैं। तो ये था लॉजिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का।